खबर। आजमगढ़ के महाराजगंज रोड स्थित देवनपुर में बहुजन नायक कांसीराम की जयंती के उपलक्ष्य एवं बहुजन शक्ति टीम द्वारा बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी प्रोफेसर बेचू वाराणसी ने अपनी ओजस्वी वाणी से बताया कि समाज को मजबूत किए बिना, विचारधारा से लैस किए बिना हम सांसद विधायक बना भी लेते हैं तो उससे पूरा समाज लाभान्वित नहीं होगा, उसका लाभ केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होगा। विशाल समाज को अकेले जागरूक करना संभव नहीं है, इस संगठन के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब सब इकट्ठा होंगे तो एक शक्ति बनेगी और उस शक्ति का इस्तेमाल सबके लिए ही यही है कि बहुजन शक्ति है। बहुजन शक्ति का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक जागरूकता लाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज का परिणाम समाज को किस रूप में लाभान्वित कर रहा है। सिर्फ नेक्स्ट पीएम कहने बोलने लिखने से बहुजन समाज का पीएम नहीं बन जाएगा। कांसीराम के बताए रास्ते पर चलने से ही यह सपना साकार रूप लेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत हमें इस पीढ़ी को एड्रेस करने का मौका मिला है तो हम समता मूल समाज की स्थापना का प्रयास करेंगे। हम बदले की भावना तो नहीं चुनेंगे, हम प्रगति का रास्ता अपनाएंगे, हम समस्या का नहीं बल्कि समाधान का ही हिस्सा बनेंगे। हमें जाति धर्म क्षेत्र नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर संगठित रूप से जरूरत है, क्योंकि एक विचारधारा ही है जिससे समाज साझा हित सधेगा। बहुजन शक्ति का उद्देश्य सिर्फ वैचारिक गठबंधन ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के सामाजिक वर्चस्व को भी कायम रखना है। मुख्य वक्ता इंजीनियर पवन यादव, प्रदेश सचिव ने दलित पिछड़ा मुस्लिम एकता पर एक वक्ता रखा और एकजुट होने का संदेश दिया एवं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में वरिष्ठ कार्यकर्ता सैयद कंवर जफर, अलका गौतम, डॉक्टर प्रतिमा दास, डॉक्टर निर्मला मानिक, डॉक्टर सैयद इकबाल हैदर एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति देने आए रविराज बौद्ध एवं प्रीति बौद्ध द्वारा प्रस्तुति पर महिलाओं एवं युवा झूम उठे। महासम्मेलन का संचालन प्रिया ने किया। महासम्मेलन में महिलाओं एवं युवाओं की भारी संख्या में उपस्थिति होकर मानवक कांसीराम